नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका खास प्रोग्राम जी हाँ मूवी पब्लिक रिव्यू। जी हाँ, हर बार जब भी कोई बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज होती है या फिर कोई नया फिल्म ऐसा आता है जो कि दर्शकों को काफ़ी समय से इंतज़ार रहता है, तो हर बार वो फिल्म रिलीज़ होने पर दर्शकों की तरफ से दर्शक उस फिल्म का इंतज़ार करते रहते हैं। और फाइनली आज बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म ने दस्तक दी है और वो फिल्म है मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू। जी हाँ, मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू ने दर्शकों को काफ़ी मनोरंजन किया है, ऐसी खबर आ रही है। खबर ऐसी भी आ रही है कि जिस समय ये फिल्म रिलीज हुई है उसे बम्पर ओपनिंग दी गई है। जी हाँ, इस फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली है काजल राघवान। वैसे इससे पहले हम आपको बता दें, इस फिल्म में हमारे भोजपुरी, वैसे साल 2017 की अगर बात करें तो साल 2017 में खेसारी लाल यादव काजल राघवानी की जो जोड़ी थी वो मेहंदी लगा के रखना में नजर आई थी। फिल्म बम्पर हिट रही, दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए उस फिल्म का सीक्वेंस बनाया गया। इस फिल्म के सीक्वेंस में भले ही स्टार कास्ट को बदल दिया गया हो, लेकिन कहानी आज फिर भी कहीं ना कहीं हमारी 2017 में आई फिल्म मेहंदी लगा के रखना को कहीं ना कहीं टच करती है। जी हाँ, उस फिल्म का दूसरा पार्ट मेहंदी लगा के रखना टू रिलीज हुआ, जिसमें प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, प्रीति धानी और इसमें यश कुमार मिश्रा को भी लिया गया है। देखा जाए तो इसमें और भी तमाम स्टार कास्ट है, लेकिन इन तीनों की अगर बात करें तो ये तीनों हमारे जो कलाकार हैं वो अपनी इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन्हें खुद भी इस फिल्म के रिलीज़ होने का काफ़ी समय से इंतज़ार था। फाइनली वो फिल्म आज रिलीज़ हो गई है, लेकिन फिल्म को कहा जा रहा है कि बम्पर ओपनिंग मिली है। इसके बारे में तो हम आपको जानकारी देंगे ही देंगे। इसके अलावा यश कुमार मिश्रा ने, जी हाँ, यश कुमार मिश्रा ने फिल्म मेहंदी लगा के रखना को याद करते हुए काजल राघवानी के ऊपर कुछ बयान देते हुए नजर आए हैं, कुछ बात कहते हुए नजर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार हमारे जो यश कुमार मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस गाने को और इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इस फिल्म पर, यश कुमार ने काजल राघवानी को लेकर क्या कहा है और दर्शकों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस फिल्म को लेकर, कैसा कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ और कुछ खास बातें आप सभी को बता देते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। जैसन की रवा सभा के पहले ही से पता बा कि आज यानी 27 अप्रैल के प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म मेहंदी लगा के रखना टू सभे सिनेमा घर कुली में रिलीज हो चुकल बा। साथे साथ रवा सभा की यो बता दी कि ए फिल्म के जबरदस्त ओपनिंग भी मिल रहल बा। जैसन की रवा सभा जानते बानी कि ए फिल्म खातिर सिनेमा घर कुली में 25 अप्रैल से ही एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकल रहे और ये काफ़ी सारा टिकट एक के दिन में बिका गई और एक कर कारण कहीं ना कहीं ए फिल्म के यूट्यूब पर ना अपलोड करल भी मानल जा रहल बा। जैसन कि हमनी के रवा सभे के बतैले ही रहनी कि ये फिल्म के यूट्यूब पर अपलोड ना कैल जाई, लेकिन देखे के ई बा कि फिल्म मेकर लोग एक कमिटमेंट पर कब ले अड़ल रहे ले लोग। गौरतलब बा कि ये फिल्म में लोगन के प्रदीप पांडे चिंटू और प्रीति ध्यानी के काफी अच्छा केमिस्ट्री देखे के मिली। आ ए फिल्म में चिंटू काफी एक्शन करत भी नजर आई है। आ साथे साथ यो बता दी कि ये फिल्म में रोमांस और एक्शन के भरपूर तड़का देखे के मिली। तो देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू, प्रीति धानी और हमारे यश कुमार मिश्रा का बहुत ही अलग अंदाज, बहुत ही अलग तरीके की कहानी इस फिल्म में दर्शाई गई है। खैर, अब बात करते हैं हमारे दर्शकों की। जी हाँ, दर्शक जो कि बताते हैं कि फिल्म सुपरहिट है या फिर फ्लॉप, सिनेमाघरों में भीड़ लगने के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो फिल्म हिट हुई है या फिर नहीं। बिल्कुल पहले दिन फिल्म की कमाई कन्फर्म नहीं हो पाती है, लेकिन हम जो दर्शक होते हैं उन्हें देखकर, उनकी भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो फिल्म हिट जा रही है या फिर फ्लॉप। तो ऐसा ही कुछ अंदाज़ा लगाया गया है हमारे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू से। तो आप देखते हैं, आप जानते हैं कि आखिरकार दर्शकों को हमारी ये फिल्म मेहंदी लगा के रखना टू कैसी लगी है और दर्शकों की तरफ से उन्हें लेकर क्या कुछ खास कहा जा रहा है इस फिल्म को लेकर। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू के कुछ फैंस की बातें कि आखिरकार उनकी फिल्म में उन्हें कितनी ज़्यादा पसंद आई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। भाई, आज के हमारे प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू की फिल्म यानी कि भोजपुरी के चॉकलेट बॉय की फिल्म और साथ ही साथ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक्शन किंग कहे जाने वाले यश कुमार मिश्रा की फिल्म मेहंदी लगा के रखना पार्ट टू रिलीज हुई है। जी हां, इसी के साथ इस फिल्म को लेकर दर्शकों की तरफ से अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। जी हां, जहां कुछ लोगों का कहना है कि इसमें प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू ने बहुत ही अलग अंदाज के साथ रोमांटिक लुक को आजमाया है, तो वहीं पर दूसरे लोगों का ये भी
कहना है कि प्रदीप पांडे उफ चिंटू का एक्शन काफी ज्यादा इसमें दिखाया गया है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे यश कुमार मिश्रा जो एक्शन लुक में नजर आए हैं वो काफी अच्छा है, लेकिन इसी के साथ साथ उनका एक भोलेपन का लुक भी इस फिल्म में दिखाया गया है जो कि काफी अलग है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे दर्शकों की तरफ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये दर्शकों को ये फिल्म पहले पार्ट, जी हाँ मेहंदी लगा के रखना, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी, ठीक उसी तरीके से ये फिल्म भी उन्हें लग रही है। जी हाँ, अच्छा या उससे अच्छा या उससे खराब ये तो किसी के जुबान से सामने नहीं आई है बात, लेकिन सबका यही कहना है कि जी हाँ ये फिल्म देखने लायक है। वाकई में इस फिल्म में बहुत कुछ अलग किया गया है, बहुत ही अलग अलग तरीके से इस फिल्म को बनाया गया है। खैर दोस्तों, देखते हैं इस फिल्म का जलवा कब तक बॉक्स ऑफिस पर बरकरार रहता है और कब तक दर्शकों की तरफ से उनके इस फिल्म को कितना प्यार मिलता रहता है। जेसन की रवा सभा के पहले ही से पता बा कि आज यानी 27 अप्रैल के प्रदीप पांडे चिंटू के फिल्म मेहंदी लगा के रखना 2 सभे सिनेमा घर कुली में रिलीज हो चुकल बा। साथे साथ रवा सभे की यो बता दी कि ए फिल्म के जबरदस्त ओपनिंग भी मिल रहल बा। जेसन की रवा सभे जानते बानी कि ए फिल्म खातिर सिनेमा घर कुली में 25 अप्रैल से ही एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकल रहे और ये काफी सारा टिकट एक के दिन में बिका गई और एक कर कारण कहीं ना कहीं ए फिल्म के यूट्यूब पर ना अपलोड करल भी मानल जा रहल बा। जैसन की हमनी के रवा सभे के बतैले ही रहनी कि ये फिल्म के यूट्यूब पर अपलोड ना कैल जाय, लेकिन देखे के ई बा कि फिल्म मेकर लोग एक कमिटमेंट पर कब ले अड़ल रहे ले लोग। गौरतलब बा कि ये फिल्म में लोगन के प्रदीप पांडे चिंटू और प्रीति ध्यानी के काफी अच्छा केमिस्ट्री देखे के मिली। आ ए फिल्म में चिंटू काफी एक्शन करत भी नजर आई है और साथ ही साथ यो बता दी कि ये फिल्म में रोमांस और एक्शन के भरपूर तड़का देखे के मिली। देखा आपने दोस्तों कि किस तरीके से प्रदीप पांडे उफ चिंटू के जो फैंस हैं उन्हें भी इस फिल्म का काफ़ी समय से इंतज़ार था। काफ़ी समय से इस फिल्म के इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये फिल्म को लेकर दर्शकों ने इस फिल्म को देखा है बॉक्स ऑफिस पर और उनको फिल्म कैसी लगी है ये हमने आपको बता ही दिया है। उम्मीद करते हैं अब इस फिल्म की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, और जो लोग अभी तक बॉक्स ऑफिस पर नहीं गए हैं वो ये इस फिल्म को ज़रूर देखने जाएंगे। तो आप लोग भी बिना देर किए जल्दी से सिनेमाघरों में जाइए और हमारे प्रदीप पांडे उफ चिंटू की ये धमाकेदार फिल्म देखिए और बताइए कम हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए कि आखिरकार आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और साथ ही आपको प्रदीप पांडे उफ चिंटू की फिल्म कैसे लगी, ताकि हमें पता भी चले कि दर्शकों की तरफ से उन्हें कितना प्यार मिल रहा है। आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ ये लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा। भोजपुरी से जुड़ी तमाम बड़ी खबर को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें Next9 न्यूज़ भोजपुरी और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होता है वो आप सभी तक पहुँच सके। खैर अब लगाते हैं यहीं पर विराम, प्रोग्राम को यहीं पर करते हैं समाप्त और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। Next9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।
नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।